वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को डीबीटी के द्वारा श्रमिकों व कामगारों के खाते में 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर किया। इससे प्रदेश भर में 10,48,166 श्रमिकों को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ, जिसमें गोरखपुर जनपद में 90,000 से ऊपर के परिवार को 1.5 लाख प्रवासी श्रमिक लाभान्वित होंगे। शनिवार को 18 से 20 हजार लोगों को 1-1 हजार रुपए उनके खाते में भेजा गया है। शेष श्रमिकों के खाते में 1 सप्ताह के भीतर रुपए भेज दिए जाएंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 10.5 लाख श्रमिकों व कामगारों के खाते में 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर किया। इस योजना के तहत श्रमिकों व कामगारों के खाते में 104 करोड़ 82 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी KVN पांडियन, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित प्रवासी श्रमिक मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संकट के समय सभी एकजुट होना बेहद जरूरी है। जब टीम वर्क के रूप में काम होता है और पूरा सिस्टम उसके साथ जुड़ता है तो उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान सर्वाधिक प्रवासी कामगार व श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए हैं। इनकी सुविधा के लिए 1,650 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को लेकर आई थी। प्रवासी श्रमिक व कामगारों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 12,000 से अधिक परिवहन निगम की बसें चलाई गई। स्कूल की बसें और प्राइवेट बसों की व्यवस्था अलग से भी हर जनपद में की गई। प्रवासी श्रमिकों व कामगारों की मेडिकल स्क्रीनिंग व रहने खाने की व्यवस्था के लिए 15 लाख की क्षमता के क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने फील्ड की टीम के साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया है, जो बधाई के पात्र हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में आने वाले प्रवासी श्रमिकों कामगारों को 1,000 रुपये भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने का जो कार्य हो रहा है, यह शासन के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DBT से प्राप्त लाभार्थी प्रवासी श्रमिकों और जिलाधिकारी KVN पांडियन ने बताया। इसी प्रकार फूड पैकेट्स और कम्युनिटी किचन का भी 4,000 से अधिक कम्युनिटी किचन और 6,50 लाख आवंटन की स्थिति है। 3.25 लाख से अधिक राशि के वितरण किया गया है। होम क्वारंटाइन से छूटे व्यक्तियों को जो राशन के देने का के कारण निर्देश दिया गया। अन्य जनपद तथा दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण तथा भरण पोषण हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। श्रमिकों को लाने हेतु बसों तथा ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में आने वाले लगभग 30 लाख श्रमिकों को शेल्टर होम के स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत घर भेजने के रूप 15 दिन का राशन किट प्रदान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में लॉकडाउन के दौरान अन्य जनपदों तथा प्रदेशों से आए हुए श्रमिकों को ₹1,000 की धनराशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए जाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा राहत पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे DBT हेतु पारदर्शी तरीके से जिला अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों का चिन्हांकन किया गया है। SBI के कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट के जरिए वित्त विभाग की सहमति से जनपद स्तर पर लाभार्थियों के खातों में धनराशि उचित रूप से पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में आज प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 1,000 रुपए की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से स्थानांतरित की जा रही है।
सबका राहत पोर्टल में हम लोग करा चुके हैं सर, थोड़ा बहुत आ रहे हैं बीच बीच में, उन लोगों को भी करा रहे हैं सर। टोटल सर 99,426 परिवार है सर हमारा लिस्ट पे, उन्हीं लोगों को 1,000 रुपया के पोर्शन में भेजना है सर। आज यहाँ पे आज आपके बीच में तो कितने लोग आए हैं? अभी सर 7 लोग हैं सर आए हुए सर, आए हैं वहाँ पे, लोगों का होम क्वारंटीन पूरा हो गया? हाँ सर, लगभग 14 दिन तो बहुत लोग है सर, 14 दिन कम्प्लीट हो गए सर, 21 दिन का जो कार्यकाल है, बाकी कुछ लोग का बाकी है। 14 दिन अगर हो गया है, उसके बाद अगर उनका आप लोगों ने मेडिकल स्क्रीनिंग कर लिया है तो सर इनका नाम बताओ पहले कौन है, इनसे बात कराओ। दीपू, दीपू नमस्ते, दीपू नमस्ते, नमस्ते जी, क्या नाम है? दीपू सर। दीपू कहाँ घर है आपका? जंगल चल, जंगल छोड़ी के रहने वाले हैं? हाँ सर। तो कहाँ काम करते थे आप? महाराष्ट्र में काम करते थे, नागपुर सर। नागपुर में क्या काम करते थे? पेंटिंग का सर। अच्छा, पेंटिंग का काम करते थे? हाँ सर। ठीक है, बहुत सुंदर। आपके जो है आपको जो है एक तो राशन किट मिलेगा, राशन किट अभी आपको मिला कि नहीं मिला? मिला। और 1,000 रुपया की राशि फिर आपके खाते में जा रहा है? हाँ। आपके उसमें आ रहा है, मोबाइल फोन पे आ गया, हो जाएगा, खा जाएगा, फिर आपके अकाउंट में चला जाएगा पैसा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, आपके उसमें आ भी गया होगा, अलर्ट मैसेज आ भी गया सर, अलर्ट मैसेज आ गया है ना? दिखाओ भाई अपना मोबाइल फोन, दिखाओ, देखो उसमें एक बार चेक कर लेंगे, पता लग जाएगा उसमें, है ना? गोरखपुर में करेंगे, वहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने टीम, कितने लोग हैं साथ में आपके? अभी सर लगभग यहाँ पे जैसे हम अकेले हैं, जैसे हम लोग आए हैं यहाँ पे 3 जन। हाँ, जंगल छोरी से सहसा जो है जो वो वहाँ काम करने वाली टीम होगी आप लोगों की। हाँ। अगर आप लोग यहाँ पे भी काम करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे भी काम दिलवाएंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, यहीं पे काम दिलवाएंगे, काम करिए फिर, क्योंकि अभी तो बच करके रहने की आवश्यकता है, बीमारी भी है और काम की इसके साथ ही बीच में करना है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करने में भी दिक्कत होगी। अभी तो इसलिए काम मिलेगा सर, इधर ही करेंगे, एकदम काम करिए आप, ठीक है ना? हाँ, बधाई। दूसरा दोस्ता का नाम क्या है? रेड आदम से रहते हूँ, क्या नाम है? संदीप सर। संदीप। हाँ। क्या काम करते हो? आपके कारपेंटर का? नहीं, पेंटर। पेंटिंग का काम करते हो, पेंटर हो है? कहाँ काम करते थे? सर दिल्ली में। अच्छा, बहुत ठीक है, बहुत सुंदर। तबीयत ठीक ठाक है ना? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आपके खाते में भी 1,000 रुपया आ गया है, ठीक है? राशन कार्ड है या नहीं है आप लोगों के पास? अभी सर शादी नहीं है, तो राशन कार्ड वगैरह बनवा लेंगे, ठीक है ना? प्रशासन बनाएगा, राशन कार्ड भी बनाएगा, अभी राशन किट या तो मिल गया होगा, नहीं तो मिलने वाला होगा, ठीक है? राशन कार्ड, राशन किट मिला है? ठीक है, बहुत सुंदर। फोन में देखा आपने कि आपका पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? देख लो, फोन भी करता है। आ गया सर। आ गया है ना? वाह, देखिये यही है कमाल कि अब एक झटके में पैसा कहीं से भी कहीं तक पहुंच जाएगा। ये मोदी जी ने किया है कि पैसा कहीं से भी दिखाओ तो सारा पैसा आपके खाते में आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? बहुत सुंदर, मेहनत से काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ठीक है, बहुत सुंदर, चले बहुत अच्छा है। नमस्ते जी, आपके आप जितने सहयोगी हैं सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और जिला प्रशासन गोरखपुर को भी जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों को वहाँ पे रिसीव करने का काम किया है, वाराणसी जिले, वाराणसी जनपद। नमस्कार सर, मैं कौशल दिया महाराज जी बोल रहा हूँ, पैसा जा रहा है सर, 4 लाभार्थी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं सर, और 3 इनमें गुजरात के हैं सर, 1 महाराष्ट्र के हैं सर। ठीक है, कौन कौन लोग आए हैं?
अपना नाम? हाँ। मेरा नाम सरिता है, सरिता देशी। अच्छा, आप किस दिन होंगे अच्छी चली गए? राशन कार्ड है या नहीं इनके पास? राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो गया था, राशन कार्ड बनने हो गए, तत्काल इनका मिल जाएगा। राशन कार्ड सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध करा कर। संदीप सर, सर बोले हैं कि आप लोग ठीक हैं, राशन मिला कि नहीं मिला? हम लोग बोले हैं सर राशन मिला, 1,000 रुपये भेजे खाते में हम लोग के। कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी आकर डायरेक्ट बात किए आपसे? सर अच्छा लग रहा है, हम लोग सुरक्षित हैं। और क्या क्या बात हुई आपसे, क्या पूछे? और सर कुछ भी नहीं पूछे, पूछे काम? हाँ पूछे काम क्या करते हो सर, पेंट का? बोले काम यहीं पर करोगे? हम लोग बोले हैं सर यहीं पर करेंगे। क्या बोले महाराज जी? बोले कौन यहीं काम करोगे गोरखपुर में? हम लोग बोले हाँ सर यहीं काम करेंगे। तब आप जाएंगे बाहर काम करेंगे? नहीं नहीं सर यहीं काम करेंगे। दीपू कुमार सर, अभी वो पूछ रहे थे अभी कहाँ से आए हो? हम लोग बोले कि महाराष्ट्र से आए, नागपुर से आए हैं। तो बोले कि क्या क्या मिला? हम लोग बोले किट मिला है सर, वहाँ पे स्कूल में जो भी व्यवस्था था हम लोग को सब मिला था, और अपना अभी 1,000 रुपया मिला है वो भी मिला है। बोल रहे थे काम करने के लिए, वो भी बोले कि हाँ सर यहीं पे काम कर लेंगे, गोरखपुर में ही काम कर लेंगे। पूछ रहे थे कि बाहर जाओगे कि नहीं? बोले कि नहीं सर बाहर नहीं जाएंगे। तब बाहर जाएंगे काम करने? नहीं सर अभी बाहर नहीं जाएंगे। कहाँ के रहने वाले? अभी जंगल चौरी के रहने वाले हैं। कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी आपसे डायरेक्ट बात किए हैं? सर बहुत अच्छा लगा बात करने में, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई है। देखिए प्रवासी मजदूर का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश भर जो आए हुए लोग करीब 35,000 लोग आए हुए हैं, उनका हर परिवार का 1,000-1,000 रुपया भरण पोषण के रूप से पैसा भेजे थे। पहले ही हम लोग एक किट पूरा एक महीने के किट 1,200 रुपया के दर से जो था वो हम लोग दिला चुके हैं। आज यहाँ गोरखपुर जनपद में भी करीब 1.5 लाख लोग आए हुए हैं, करीब तो 90,000 के ऊपर का परिवार थे उस पर, करीब तो हम लोग 18-20,000 लोग का पैसा आज ही पहुँच जा रहा है खाता में, और लगातार कल परसों नरसों आज से प्रारंभ कर दिया मुख्यमंत्री जी, अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर सभी के खाता में पैसा पहुंच जाएगा।